हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा मेरेज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो ये मोदक बनाने वाले हैं वो इतने टेस्टी बनेंगे मोदक। इसमें हमने ना मावा यूज़ किया है, ना खोया, ना मिल्क पाउडर, बिना गैस के। फिर भी ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप याद रखेंगे। और जो आज हम ये मोदक बना रहे हैं, इसी से ही आपको हम एक मिठाई भी बनाना सिखाएंगे। जैसे कि घर में रिश्तेदार आते हैं तो आप इस तरह से मिठाई बना कर भी उन्हें सर्व कर सकते हो और मोदक भी बना सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें किससे बनेंगी, वही आप सोच रहे होंगे। तो आज हम जो ये मोदक बनाने जा रहे हैं वो है ओरियो बिस्किट के मोदक। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सिर्फ 100 रुपये में आधे घंटे के अंदर हमारी मिठाई भी तैयार हो जाएगी और मोदक भी। तो और क्या चाहिए हमें, तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने ये 120 ग्राम वाले ओरियो के 4 पैकेट्स लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बिस्किट की जो वाइट क्रीम है वो हम अलग कर देंगे और बिस्किट जो है वो अलग रखेंगे। आसानी से ये निकल जाती है नाइफ़ की मदद से। इस तरह से हमें सभी बिस्किट्स जो है ऐसे क्रीम अलग कर देनी है। यहाँ हमने वाइट क्रीम वाले ओरियो बिस्किट्स यूज़ किए हुए हैं। इस तरह से सभी बिस्किट्स हम अलग करेंगे और क्रीम अलग करेंगे। क्रीम हमें साइड में कर देनी है और ये बिस्किट्स को हम तोड़ के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह का ग्राइंड होना चाहिए। एकदम फाइन पाउडर हमें तैयार करना है। तो स्मॉल बैचेस में अगर आप इसे ग्राइंड करोगे और तोड़ के, तो अच्छी तरह से जल्दी ये फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा। यहाँ मैंने ये 2 बड़े चम्मच लिया है फ्रेश क्रीम। इसमें मैंने 3 चम्मच दूध डालकर इस तरह से अच्छा एक गोल तैयार किया है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर का जो क्रीम निकलता है, मलाई निकलता है दूध का, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो 2 चम्मच। और फेट के यूज़ करेंगे तो आसानी से वो यूज़ कर सकेंगे। और सेम 3 चम्मच दूध हमें मिलाना है। अगर वो भी आपकी घर की ताज़ा मलाई भी घर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 3 चम्मच दूध और 2 चम्मच जो बटर रहता है घर पर, अमूल बटर, वो आप इसमें डाल के यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा ये दूध डालकर एक अच्छे से आटा तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये आटा तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें एकदम हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट आटा भी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। अभी हमने जो क्रीम रखी थी उसका भी हम एक अच्छा सा एक डो तैयार करेंगे। इसमें हम ये डाल रहे हैं 1/2 कप जो है डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा कहते हैं। यहाँ हमने ये बादाम बारीक कटे हुए यूज़ किए हैं। ये 8 से 10 बादाम मैंने लिए थे। सेम 8 से 10 मैंने काजू लिए थे, उनको भी बारीक काट लिया है। ये 2 चम्मच मैंने दूध यूज़ किया है, उसमें केसर डाल दिया था तो उससे अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। ये सब चीज़ें हम अच्छे से मिला देंगे और अच्छे से एक स्टफिंग तैयार करेंगे। और इसमें हमने शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये जो क्रीम रहती है बिस्किट की वो मीठी रहती है ज़्यादा ही, तो इसमें हमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये दूसरा क्रीम वाला डो भी तैयार हो गया है। ये देखिए, यहाँ हमने ये ब्राउन वाला जो बनाया था पहले, उसका भी 1/2 मैंने यहाँ पर ले लिया है और क्रीम वाले का भी मैंने ये लिया है 1/2। यहाँ हमने 2 चम्मच लिया है बारीक कटी हुई बादाम और किशमिश बारीक कटी हुई। अभी हम मोदक का मोल्ड लेंगे, उसको हम ग्रीस कर लेंगे घी से। मोल्ड के एक साइड के इस पे हम ब्राउन का लेयर रखेंगे आटा। अच्छे से प्रेस करना है जैसे शेप अच्छे से आए। और दूसरे में हम डालेंगे क्रीम वाला आटा, अच्छे से उसको भी प्रेस करना है। और थोड़ा सा हम इसमें ड्राई फ्रूट रखेंगे बीच में
आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो हमने क्रीम का इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ किया है तो वो भी चल जाता है उसमें। अच्छे से प्रेस करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी है वो निकाल देंगे हम। अच्छे से प्रेस करेंगे, आउटर में जो भी आ जाता है वो अलग कर देना है, जैसे शेप अच्छे से तैयार हो जाए मोदक की। ये देखिए कितना अच्छे से ये मोदक हमारा तैयार है। इसी तरह हम सभी ये मोदक तैयार करेंगे। ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये हमारे मोदक बनकर तैयार है गणेश जी के लिए। ये मिठाई रोल तैयार करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे सिल्वर फॉइल, उसको हम घी से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। जो हमने क्रीम वाला तैयार किया हुआ है आटा, उसको हम अच्छे से इस तरह से हाथों की मदद से ही रोल करते जाएंगे। इस तरह से ही हमने देखिए रोल तैयार कर लिया है। इसको हम साइड कर देंगे। उसी फॉइल पेपर पे हम थोड़ा घी फिर से ग्रीस करेंगे और ब्राउन वाला हम आटा रखेंगे और इस तरह से हम बेलन की मदद से उसे बेलेंगे और जो भी क्रेक्स आएंगे उसको हमें इस तरह से कवर करते हुए बेलना है। ये देखिए इस तरह से ब्राउन वाले को बेलते हुए क्रैक्स को हमें कवर करते रहना है। ये हमारा ब्राउन वाला भी बेलकर अच्छे से तैयार हो गया है। इस पर अभी हम रखेंगे ये जो पहले हमने क्रीम वाला रोल तैयार किया था और फॉइल की मदद से उसे अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे रोल को और आहिस्ते से उसको हम फॉइल को अलग भी करते जाएंगे। इस तरह से हमें ये रोल तैयार करना है। ये देखिए साइड्स को हम अच्छी तरह से पैक कर देंगे। और ये फॉइल को हम कवर कर देंगे और 1 से 1.5 घंटे के लिए हम फ्रिज में इसे रख देंगे सेट होने के लिए। ये देखिए 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको हम देखेंगे। ये रोल जो है अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए ये मैंने 2 चम्मच लिया है खसखस, जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं। इसे मैंने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है हल्का सा। रोस्ट करने से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसे मैं अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लूँगी और ये रोल को इस तरह से हम घुमाते रहेंगे जैसे चारों तरफ जो है रोल के पॉपी सीड्स अच्छे से लग जाए। ये दिखने में और भी अच्छी सुंदर हो जाती है मिठाई इस तरह से हम अगर करेंगे तो। और अगर आपको ये खसखस नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर इससे आप देखेंगे कि ये मिठाई रोल जो है कितना अच्छा और भी सुंदर निखर के आएगा इससे। ये देखिए खसखस जो है अच्छी तरह से ये सेट हो गई है इस पर। साइड्स जो है हम इसके अभी निकाल देंगे। और अभी इस तरह से हम इसके पीसेस करेंगे।
अब अपने हिसाब से इसके साइज़ कट कर सकते हैं, छोटी या बड़ी ऐसे बर्फ़ी में। बहुत ही आहिस्ते से इसको हमें कट करना है। और ये देखिए, ये हमारी अच्छे से मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जैसे हमारे आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।